हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हेल्थ के टच में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा न्यू साइन क्रीम के बारे में। दोस्तों, ये बहुत अच्छी क्रीम है। इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं और इसको कब और किस तरह लगानी चाहिए जिससे हमें और अच्छा रिजल्ट मिल सके, तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्राइस की। तो 90 रुपये इसकी कीमत है। इसको जेनका हेल्थ केयर कंपनी द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर हाइड्रोक्विनोन, ट्रिटिनोन एंड मेमटासोन फॉर्ट्रेट है। दोस्तों, ये एक दवाइयों की क्रीम है। इसको आप हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से खरीद सकते हैं। ये फेयरनेस क्रीम नहीं है, इसको डॉक्टर की सलाह से ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, बात करते हैं इसके यूज की। तो दोस्तों, जैसा इसका नाम है न्यू साइन, तो सच में ये वैसा ही काम करती है। ये हमारे चेहरे को चमकदार, बेदाग और गोरा बना देती है। दोस्तों, वैसे तो इसका मेन वर्क प्रेगनेंसी के दौरान चेहरे पर जो झाइयां और निशान आ जाते हैं उनको ठीक करना है, पर इसको पिंपल्स, कील, मुहासे, आंखों के ऊपर काले घेरे, झाइयां, जले कटे का निशान, चोट के पुराने से पुराने निशान को भी ये ठीक करती है। दोस्तों, बहुत सारे निशान हमारे चेहरे पर हो जाते हैं जो ठीक नहीं होते, तो न्यू साइन क्रीम उन सभी निशानों को ठीक करती है। दोस्तों, ये कोई फेयरनेस क्रीम नहीं है। दोस्तों, इसको फेयरनेस क्रीम की तरह पूरे चेहरे पर नहीं लगाना है। दोस्तों, चेहरे पर जहाँ पर पिंपल्स, झाइयां, काले निशान है, दोस्तों इसको बस समस्या वाली जगहों पर ही लगाना है, वो भी ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक। दोस्तों, बात करते हैं इसको लगाना कैसे है। दोस्तों, इसको रात में सोने से पहले लगानी है। दोस्तों, सोने से पहले चेहरे को साफ पानी से धो लें, उसके बाद इसको समस्या वाली जगहों पर लगाएं और सुबह को साफ पानी से मुंह धो दें। दोस्तों, बात करते हैं इसकी सावधानियों की। इसको लगाने से पहले कौन कौन सी सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। दोस्तों, इसको बच्चों से दूर रखें, आंख मुंह से दूर रखें, चेहरे पर एलर्जी हो तो इसका इस्तेमाल ना करें। इसको सूरज की रोशनी में नहीं लगाना है। इसको लंबे समय तक इस्तेमाल ना करें। इसको जब भी इस्तेमाल करें डॉक्टर की सलाह से करें। इस क्रीम का इस्तेमाल करते समय यदि आपको कोई साइड इफेक्ट दिखे तो इसका इस्तेमाल बंद कर दें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑन करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।